हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने ये ऑटोमेटिक फायर अलार्म बना है जो सस्ता प्रोजेक्ट है और सस्ता और सिंपल सा प्रोजेक्ट है। तो गाइस, इसको बनाने के लिए हमने एक लकड़ी का स्टैंड लिया है, एक बर्जर लिया है, एक पाइप लिया है, एक और एक इस ट्यूबलाइट का जो वो होता है अंदर का, उसके अंदर से ये निकाला है और अंदर से इसके अंदर से ये बल्ब निकाला है और एक मोमबत्ती ली है और एक 9 वोल्ट की बैटरी, एक कैची, एक वाटर पंप लिया है और एक माचिस ली है और एक ये खाली डब्बा है। ये सब पार्ट्स के लिए हमने 80 रुपये का खर्चा किया है। अब हमें ढक्कन पे 2 होल करने हैं, एक पाइप लगाने के लिए और एक वायर लगाने के लिए। ने होल करने के लिए एक शोल्डर का उपयोग किया है, आप चाहे तो किसी से भी कर सकते हो। अब हमने ये स्टैंड पे पाइप चिपका दी है और ये जो ढक्कन पे हमने होल किया था वो पाइप बाहर निकाल दिया है वहां से। और ये जो वाटर पंप है, अब हम इसको ये पाइप के साथ जोड़ देंगे। गया है। अब हम इसे धीरे से अंदर रख देंगे। अब और जो ये वायर है, इसे हम ये जो छोटा सा होल था उसके अंदर से ये निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ये बाहर आ चुका है। हमने ये बर्जर लिया है और प्लस माइनस जो रेड वाला है वो प्लस है और जो ब्लैक वाला है वो माइनस है। तो इस तरह से हमने वायर सोल्डिंग कर दिया है और ये वायर ये टेप की मदद से चिपका दिया है। वायर टेप की मदद से हमने जो ये ट्यूबलाइट के अंदर का जो स्टार्टर आता है ये स्टार्टर लिया है और इसको तोड़ के हमने ये जो बल्ब है वो निकाला है और ये जो वायर है उसको सोल्डिंग करके कुछ इस तरीके से हमने स्टैंड पे चिपका दिया है। दोस्तों, हमने ये वायर ऐसे जोड़ दिया है। अब हम इस खाली डिब्बे को अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। तो ये हमने पानी डाल दिया है। तो गाइस, हमारा ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम ये कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। अब हम मोमबत्ती जलाएंगे, इसमें जो बल्ब लगा है वो आग को डिटेक्ट करेगा और वाटर पंप और बर्जर ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे और आग अपने आप बुझ जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।